जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को सात बेर ले लो और सात बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उधर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना प्रबलता आ जाती है शंकर को जो शिवरात्रि के दिन। नमस्कार साथियों, 8 मार्च को है महाशिवरात्रि। आप बोर वाले ये अचूक उपाय, बेर वाले अचूक उपाय जरूर करें। अभी सभी जगह बेर मिल रहे हैं, तो आप भोले बाबा पर अपनी नज़र उतारने के लिए बेर वाला उपाय कर सकते हैं जो प्रथम में बताया है। दूसरा, आप बेर भगवान को समर्पित करके वह बेर उठा करके ले आइए। अगर कभी भी पूरे साल भर में किसी को पेट का दर्द है या पेट की और कोई भी परेशानी है, तो उस व्यक्ति को जब वो बोर खिला दिया जाता है तो उधर से पेट से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। चलिए जानते हैं कि गुरुदेव ने महाशिवरात्रि पर बोर का और कौन सा ऐसा अचूक उपाय बताया है। जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोला तो बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाता है। मात्र एक और एक बेर, महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। बारह महीने शिवरात्रि आती है, जिसको बारह मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है, ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर देते, केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं, मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगा। पहला बोलते जाओ जमके बेलपत्री के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर, तीसरा आमले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो ये निश्चित है। अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य।
तो फिर साथियों इंतज़ार किस बात का है, 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। आप बोर वाला उपाय जरूर करें क्योंकि इस दिन विशेष रूप से शंकर पर बोर चढ़ाया जाता है, बेर चढ़ाए जाते हैं, तो आप बेर चढ़ाना ना भूलें। चलिए जानते हैं कि गुरुदेव ने अगला और महत्वपूर्ण धतुरे वाला उपाय क्या बताया है, इसे भी आप जरूर करें धन प्राप्ति के लिए, संपदा प्राप्ति के लिए और व्यापार में वृद्धि के लिए। चक्र में मारा था वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबो कर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांध कर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। तो धतूरे को हल्दी में डुबो करके फिर रात्रि को 12 बजे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं, थोड़ी देर वहां बैठे नमः शिवाय या जो मंत्र आपको आता है उसका सुमिरन करें, फिर वह धतूरा उठा लें, लाल वस्त्र में बांध करके अपने व्यापार स्थान में या अपने तिजोरी पर या घर में कहीं भी सुरक्षित जगह उसे रख दें। गुरुदेव बताते हैं इतनी धन संपदा आती है कि कभी धन की कमी नहीं होती है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, जरूर करें, पर ध्यान रहे सुबह 12 बजे यानी कि दिन के 12 बजे बोर वाला उपाय जो करना है वह दिन के 12 बजे करना है, और धतूरे वाला उपाय जो करना है वह रात्रि के 12 बजे, यानी कि 12 बजे का विशेष महत्व है शिवरात्रि के दिन। इसलिए इनमें से कोई भी उपाय जो आपकी आवश्यकता अनुसार है वह आप जरूर और जरूर करें। खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन अभिषेक करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, सारी कामना पूर्ण होती है। वीडियो चैनल पर डले हुए हैं, आप जरूर उन्हें देखना, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं, क्या सामग्री चाहिए और उनका पूजन कैसे करना है। तो बस साथियों फिर मिलती हूँ आपको नए उपायों के साथ,